Hello friends and welcome to CRASH. Today is the day 20 of our discussion series and this is second part of our international relations discussion. मतलब कल भी हमने international relations के ऊपर कैसे questions आए थे, कैसे questions form होते हैं वो देखा है. आज भी देखेंगे, questions से पता लगेंगे कि कौन सी थीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर करंट अफेयर्स से ही इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें से भी किस टॉपिक के ऊपर या किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है. ठीक है, तो अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2019 रिलेटेड टू जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. देखिए, डाटा प्रोटेक्शन इज द हॉट टॉपिक, कहीं पे भी जाइए मतलब इंडिया में भी इसके ऊपर विवाद या चर्चाएं होती रहती है. एंड अगेन इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके रिगार्डिंग बहुत सी जो चीजें वो होती रहती है. तो इसी प्रकार 2019 में ये क्वेश्चन आया था. देखते हैं क्वेश्चन क्या था. विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड अ लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजंस नोन एट जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 मई 2018. देखिए, अब यह इसका आंसर है द यूरोपियन यूनियन. मैं इस चीज के बारे में नहीं बात करूंगा कि ये क्यों आया था, किस लिए आया था, लेकिन जैसे मैंने बोला कि थीम्स आइडेंटिफाई कीजिए. डाटा प्रोटेक्शन ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, इसके बारे में इंडिया में भी बहुत बार चर्चा होती रहती है. तो ऐसी जो चीजें हैं कि जिनके बारे में हमारे यहाँ भी बहुत से डिस्कशंस चलते रहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है. ठीक है, तो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एम्स टू प्रोटेक्ट ऑल यूरोपियन यूनियन सिटीजंस फ्रॉम डाटा ब्रीचेस. द रेगुलेशन विच वॉज अप्रूव बाय ईयू यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन अप्रैल 2016 आफ्टर अबाउट 4 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन एंड डिबेट केम इन टू इफेक्ट ऑन मई 25, 2018. तो ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट था, इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन में एज सच बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, थोड़ा थिन लाइन है, लेकिन हम एनालाइज कर सकते हैं कि किन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर ये हॉट टॉपिक है, तो न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी चीजें इंडिया ने अब तक की है, वेदर इट इज कोएलेशन या फिर कोई पार्टनरशिप या कोई डील, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था. 2019 में इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो ये जो हमने एक्शन प्लान साइन किया है तो किसके साथ साइन किया है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत ईजी भी था. इसका आंसर है रशिया. तो एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड आइडेंटिफाइड जॉइंटली बाय इंडिया एंड रशिया वॉज साइन ऑन 5 अक्टूबर 2018 इन न्यू दिल्ली. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और भी क्वेश्चंस आए आगे देखेंगे, लेकिन न्यूक्लियर अगर अभी भी चर्चा में या डिस्कशंस में कहीं आपको दिखता है कि न्यूक्लियर रिलेटेड चीजों के बारे में कोई डिस्कशन हो रहा है, तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है. और क्वेश्चन भी देखिए किस तरीके से फॉर्म हुआ है, किसके साथ डील की है, यहाँ पे डेट वगैरह नहीं पूछा गया है. ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें आपको दिखेंगी उनको पढ़ना भी ज्यादा जरूरी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2018 में आया था, वॉट इज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ कंट्री बिकमिंग द न्यू मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई. देखिए अगेन न्यूक्लियर थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट इफिशियंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज. इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एनपीटी. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पिछली बार भी बोला है कि जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट इफिशियंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ये करेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे भी वन करेक्ट है. इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. अगर आपको पता है ये दोनों एनपीटी या फिर एनएसजी क्या है, तो आप इसका आंसर दे सकते थे. अब ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में पता होना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को हमने साइन नहीं किया है, इसीलिए हमें अभी तक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री नहीं मिली है. यही हमारे खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स देती है बहुत ज्यादा जो अलग कंट्रीज है, 48 मेंबर्स है नेशनल सॉरी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, तो उनका जो कहना है कि इंडिया को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए. क्यों? तो अभी तक इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है, इसीलिए इनको एनएसजी में शामिल नहीं करना चाहिए. तो उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है. देखिए अब ये करंट में तो कुछ ना कुछ आया होगा, लेकिन करंट में भी जो चीज आया है फैक्ट्स से ज्यादा ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो लिंकेजेस है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये बेसिक बहुत सी बेसिक चीज है, मतलब इसको आपको ध्यान में रखना या रटना बिल्कुल जरूरी नहीं था. अगर आपने ठीक से दोनों का
एक पढ़ा है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है या फिर एनएसजी क्या है, तो हम इसका आसानी से जवाब दे सकते थे। एनएसजी जो हमारा इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसको हम स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं, उसके रिस्पॉन्स में एनएसजी फॉर्म हुआ है। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अगेन न्यूक्लियर वीपन्स एंड वीपन्स टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर अगर करंट में कुछ भी आता है तो चीजें थोड़ी सी उस हिसाब से देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर ये थोड़ा सा फोकस था और अगेन बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं, 2018 में देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू टू स्टेट सोल्यूशन। अब ये बहुत बार चर्चा में रहा है, या बहुत बार मतलब हर साल इसके ऊपर कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो ये इसराइल और पैलेस्टाइन इन दोनों से रिलेटेड है। तो इट एनविसेजेस एन इंडिपेंडेंट टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, तो इसराइल पैलेस्टाइन इश्यू के बारे में है। इट एनविसेजेस एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अलॉन्ग साइड द स्टेट ऑफ इसराइल वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। तो दो अलग स्टेट होने चाहिए इस हिसाब से ये बोला गया है। 1947 में यूएन ने पार्टीशन प्लान बोला था, उसके बाद बहुत साल वायलेंस और बहुत सी मिलिट्री एक्शन देखने को मिली इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच। बाद में यूएस ने जब मेडिएशन किया, उसके बाद ही टू स्टेट सॉल्यूशन वाज एग्रीड टू रिजॉल्व द इसराइली पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अभी भी जब भी वहां पे थोड़ा सा मानवाधिकार या बाकी चीजों का उल्लंघन होता है, या फिर मिलिट्री एक्शन या वायलेंस से जुड़ी हुई चीजें होती है, तो ये मुद्दा बार बार उछल के सामने आता है। तो इसी के बिना पर ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ था, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से पूरे दुनिया भर में जो जो चीजें हो रही है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन चल रहा था, उससे रिलेटेड चीजों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय, तो हम आसानी से आए जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड यूएसए। 2018 में पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था। तो विच ऑफ द अबव आर अमंग फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन। एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो फ्री ट्रेड पार्टनर्स या FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये बहुत बार चर्चा में रहा है व्यापार से रिलेटेड। तो इसके ऊपर बहुत बार डिस्कशंस भी हुए हैं, इंडिया का रोल क्या है, या फिर इंडिया को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। अगेन एशियन इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इस तरीके से भी एशियन महत्वपूर्ण है, और इन दोनों को मिला के फिर ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे थे जहाँ पे मेंबर्स G20 के मेंबर्स कौन से है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स के मेंबर कौन से है, ऐसे भी क्वेश्चन देखे। यहाँ पे भी सेम है, थोड़ा सा अलग एंगल लिया गया है। तो यहाँ पे 1, 3, 4 एंड 5, 1, 3, 4 एंड 5, तो यूएस और कनाडा इन दोनों को छोड़ के बाकी फ्री ट्रेड पार्टनर्स है एशियन के। एशियन कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया में है। वहां पे जो भी कंट्रीज है उनसे रिलेटेड है, और मोस्टली थोड़ा सा ट्रेड से रिलेटेड है। तो इस प्रकार है, मतलब जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में भी हमें ठीक से क्या पढ़ना है, किन चीजों के बारे में हमें ज्यादा फोकस्ड रहना है, ये चीजें हमें PYQs बता दी। यहाँ पे मैंने PYQs ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि ये चीजें फिर से रिपीट नहीं होनी होने वाली है। यहाँ पे हमें बस थीम पता लगाना जरूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो उसे भी सेग्रीगेट करके किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।